अंबेडकर के दुश्मन 1, 2 और 3 जो वीडियो हैं वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। खास तौर से जो अंबेडकर के अनुयायी हैं या अंबेडकर के प्रबुद्ध लोग हैं वो बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही एक रास्ता है जिससे कि अंबेडकर के पूरी फिलॉसफी को या सिद्धांत को फिर दोबारा से अच्छी तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। फेसबुक पर एक टिप्पणी आई, उन्होंने कहा कि आपने जो ये पत्रिका इतनी सारी निकलती हैं उनके बारे में तो एक शब्द भी नहीं कहा। तो मेरे संज्ञान में आया क्योंकि ये विषय मेरे से बहुत पहले मुझे याद था। वो विषय इसलिए मुझे याद था क्योंकि मैंने बहुत सारे लेखक संघ देखे हैं, यानी लेखकों के अलग अलग संघ हैं। एक शहर के अंदर भी 3-3 लेखक के संघ हैं और उनके अलग अलग साहित्य सम्मेलन होते हैं। वो साहित्य का बाजार लगाते हैं, साहित्य की दुकान लगाते हैं, साहित्य का प्रचार करते हैं। अमूमन वो प्रचार करते हैं, एक संगोष्ठी रखते हैं, संगोष्ठी में जो उनके जानकार होते हैं वो आते हैं और जो दूसरे जो लेखक हैं संघ हैं वो नहीं आते। ये बड़े शर्म की बात है कि लेखक जो जिसको अनडाउटली यानी कि बिना संदेह के समाज ये मानता है कि ये हमारा प्रबुद्ध जीवी है, बुद्धिजीवी है, यानी उसको प्रबुद्ध जीवी मानते हैं और बुद्धिजीवी मानते हैं, वो लेखक संघ भी अलग अलग है। मतलब लेखक संघ के भी टुकड़े हैं। कैसे लेखक संघ हैं, ना प्रबुद्ध हैं और ना बुद्धिजीवी हैं। अगर बुद्धिजीवी होंगे या प्रबुद्ध होंगे तो अलग अलग क्यों होंगे? छोटा सा बच्चा भी अगर इस बात को कहेगा, समझेगा तो फौरन कह देगा, अगर अलग अलग है तो फिर संघ कहां हुआ? लेखक संघ बनाया और लेखक संघ में सारे संघ नहीं है, आप में भी मतभेद है। यानी कि आप फील्ड वर्क में जो लेखन का कार्य करते हैं, जो बाबा साहब की फिलोसफी के ऊपर लिखते हैं, जो बाबा साहब के साहित्य के ऊपर लिखते हैं, या बुद्ध के या फूले के या कबीर के साहित्य के ऊपर लिखते हैं, या महापुरुषों के साहित्य के ऊपर पढ़ते हैं, ज्ञान देते हैं और लोगों को एक राह दिखाते हैं, आप कैसी राह दिखाएंगे? आपके तो अलग अलग संघ हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग तरह से आप काम कर रहे हैं। पूरे भारत में मैंने ये ध्यान लगाया कि कहीं कोई अखिल भारतीय लेखक संघ नहीं है समण लोगों का। नाम क्या रखते हैं? दलित सम्मेलन। जब आप पहले ही आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, ये मान लिया, इसको अंगीकार कर लिया, ये आपने अपने अंदर उतार लिया, हम तो दलित हैं और दलित लेखक हैं, तो आपका लेखन और सामग्री जो भी पड़ेगा वो दलित की दृष्टि से पड़ेगा। और दलित जो शब्द आप बताएंगे, उसका जो आंसर बताएंगे वो दबा हुआ होता है, कुचला हुआ होता है, तो आप कुचले हुए दबे हुए लेखकों का संघ है। तो आप ऊपर उठने वाले लेखकों का संघ तो है ही नहीं, तो आप कैसे किसी को? आपका तो शब्द ही खराब हो गए, आपकी तो शुरुआत ही खराब हो गई। आप अगर 100 साल तक भी काम करेंगे तो दलित है, दबा हुआ है, वही काम करेंगे आप। आपने तो शुरुआत ही वो कर दी है कि जहां से आदमी उठ ही नहीं सकता। किसी को अगर गरीब दास बोल दिया, गरीब दास कहते कहते जीवन चला गया, वो कभी अमीर दास नहीं बन सकता, तो नाम ही गरीब दास है। वो उसी में रम जाएगा, उसी को एक्सेप्ट कर लेगा, उसी को अंगीकार कर लेगा। बड़े ताज्जुब की बात है। बहुत ज्यादा कोई अगर कुछ आगे कुछ शब्द लिखना चाहेगा तो वो कुछ ऐसा शब्द लिखेगा जिसका कहीं दूर दूर तक आता पता नहीं है। ये जो बुद्धिजीवियों के संघ हैं, ये अलग अलग होने से, क्योंकि उन्होंने फेसबुक पे लिखा तो मुझे क्लिक किया कि ये सब्जेक्ट बहुत पहले मेरे दिमाग में आया था, अब इसका समय आ गया है। क्योंकि सभी लोगों से अगर हम ये कह रहे हैं कि आप सब संगठित एक हो जाइए, तो बुद्धिजीवियों को तो नहीं छोड़ सकते, प्रबुद्धों को तो नहीं छोड़ सकते। या तो वो अपना टैग जो उन्होंने लगा रखा है या जिसको लगा के घूमते हैं और जो उन्होंने आगे पीछे पदवी लगाई हुई है, या तो उनको छोड़ें या वो इस बात को स्वीकार करें कि वो इतने काबिल नहीं है कि ऑल इंडिया का साहित्य का, बाबा साहब के साहित्य का या बुद्ध के साहित्य का या महापुरुषों के साहित्य का या जो समण साहित्य है पुराने समय का, उसको वो छान सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं और पूरा एक बना सकते हैं। पत्रिकाएं बेशक आप 100 निकालिए, अगर आपको 100 निकालनी है, मगर निकालिए एक संघ से, एक समूह से निकालिए। उनके अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं। कोई पत्रिका घरेलू हो सकती है, कोई पत्रिका बिजनेस की हो सकती है, कोई वैचारिक हो सकती है, कोई धम्म की हो सकती है, कोई युवाओं की हो सकती है, कोई खिलाड़ियों की हो सकती है, कोई टीवी चैनल बिजनेस की हो सकती है, कोई किसानों की हो सकती है, कोई बेरोजगारों की हो सकती है, कोई मिश्रित भी हो सकती है। मगर आप एक जगह से निकालेंगे तो आपका खर्चा कम होगा, लोग उसमें ऑथेंटिक चीजें मिल जाएंगी। आप अलग 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 दिखा के क्या कहना चाहते हैं कि आप अलग अलग हैं और बाबा साहब के संगठित काम को कर रहे हैं? अब तो छोटा बच्चा भी इस बात को समझ रहा है कि जो बाबा साहब के नाम से अलग संघ बनाता है वो बाबा साहब का काम नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब का काम तो बढ़ ही नहीं रहा। अगर आपने एक संघ बनाया होता, एक जगह आपकी पत्रिका चल रही होती, एक जगह आपकी किताबें चल रही होती, एक जगह आपका पब्लिकेशन होता,
एक जगह आपका पब्लिकेशन हाउस होता और उसकी 1000 ब्रांचें होती, इसकी 100 ब्रांचें होती पूरे देश में, हर गांव में ब्रांचें होती, तो अब तक तो ये साहित्य संघ दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य संघ बन जाता और दुनिया में इसकी लाखों किताबें हो जाती, क्योंकि आप सब अलग 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 किताबें लिख रहे हो, आपकी इकट्ठी किताबों का कोई भी कहीं भी जिक्र नहीं है। तब अगर आप सारा साहित्य सारा संगीत बनाते तो आपका होता टाइटल कि हमारी किताब नंबर 13519, हमारी किताब नंबर 21723, हमारी किताब नंबर 35525। तो एक दुनिया का सबसे विशाल साहित्य आप बहुजन साहित्य या समर साहित्य दे पाते और लोगों को फक्र होता, लोग उसको देख के पढ़ते और कहते कि देखो बाबा साहब ने जो शुरुआत की थी उसके बाद उनके अनुयायियों ने, उनके बेटों ने इस विरासत को कितना बढ़ा दिया। बाबा साहब ने अपनी किताबें रखने के लिए एक भवन बनवाया था और इस जो अखिल भारतीय लेखक संघ है उसकी किताबें रखने के लिए तो पूरी पूरी हमें एक मॉल बनवाना पड़ रहा है, 3 मॉल बनवाने पड़ रहे हैं क्योंकि किताबें इतनी ज्यादा हो गई हैं, पढ़ने वाले भी बहुत तेजी से पढ़ते और बच्चों को आप सिखा भी सकते थे और बहुत सारे लोगों को लेखक भी बना सकते थे। मगर अभी तो आप टूटे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े खेल रहे हैं, संगठन संगठन खेल रहे हैं, संग संग खेल रहे हैं, तो आपका कोई बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं है, इसलिए आपकी रिकॉग्निशन भी ज्यादा नहीं है और होगी भी नहीं, क्योंकि जिनसे आप अपनी रिकॉग्निशन मानते हैं, जिनसे आप अपनी मान्यता मांगते हैं, वो तो आपको कभी मान्यता देंगे नहीं, आपको मानेंगे नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने आपको आपको लेखक मान लिया, आपको राइटर मान लिया, या आपको साहित्य संघ का कोई अच्छा व्यक्ति मान लिया या साहित्यकार मान लिया, तो वो तो जीरो हो जाएंगे, इसलिए वो मर जाएंगे, मगर आपको साहित्य संघ का या लेखक का कोई बड़ी उपाधि और पदवी नहीं देने वाले, और अगर मिलेगी भी तो तब मिलेगी जब आप अच्छी तरह से उनके तलवे चाट लेंगे, उनको यकीन हो जाएगा कि इसने मेरे तलवे इतने चाटे हैं कि अब मजबूरी में मुझे इसको कुछ देना पड़ेगा वरना मेरे तलवे ही खराब हो जाएंगे, तब जाके आपको कुछ मिल सकता है, और उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि काम हमें बाबा साहब के साहित्य को आगे बढ़ाना है। बाबा साहब की 40-45 किताबें हैं जो सरकारें छापती हैं, मगर हमारा कोई भी पब्लिकेशन हाउस ऐसा नहीं है जो कम रेट पर, कम पैसे पर, या जैसे ताइवान के अंदर फ्री किताबें आती हैं, ऐसी किताबें हम अपने बच्चों तक या लोगों तक पहुंचा पाएं। लेखक बहुत होंगे और ये ऐसे के ऐसे ही मर जाएंगे, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, ये अपनी किताबों को अपने ही सर पे ढोते हुए बांटते फिरेंगे, अपने थैले में अपनी किताबें रख लेते हैं और दो चार बांटते रहते हैं, लोगों से कहते रहते हैं कि मुझे रिकॉग्नाइज करो कि मैं लेखक हूं, देखो ये मैंने लिखा, देखो मैंने ये लिखा। ये हालत कुत्ते से भी ज्यादा बदतर है। लेखक को बहुत अच्छी पोजिशन में होना चाहिए क्योंकि वो प्रबुद्ध होता है, बुद्धिजीवी होता है, बिना लेखक अखिल भारतीय लेखक संघ की उसकी स्थिति ऐसी ही रहेगी। बहुत सारे लोग मैं भारत में जानता हूं जिनको कह कह के भी नहीं आता, मगर उनके बड़े बड़े संघ हैं और बड़े संघों के उनके बड़े नाम हैं और जबरदस्ती उनका नाम ऊपर चलता है, जबकि हमारे इतने काबिल लोग हैं, इतने कमाल के लोग हैं जो ब्लॉग भी लिखते हैं, जो आगे पोस्ट भी लिखते हैं, जो किताबें छापते हैं, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए कि वो अलग अलग हैं। तो बराए मेहरबानी के जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आप तो बुद्धिजीवी हैं और प्रबुद्ध भी हैं, तो आप अपने बुद्धिजीवी होने का, प्रबुद्ध होने का एग्जाम्पल दीजिए समाज को और तुरंत आप एक अखिल भारतीय संघ बना लीजिए, समर समाज का संघ, समर साहित्य का संघ। धन्यवाद।